ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया। चेक फॉर कंसिस्टेंसी अगेन, मैट्रिक्स मेथड हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो पहले तो मैट्रिक्स से लिख लेते हैं। मैट्रिक्स से क्या हो गया, 1 माइनस 1 टू, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 एंड 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। एक्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो फिर एक्स वाई जेड ही है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमें क्लियरली दिया हुआ है, 7 माइनस 5 एंड 12। तो यूजिंग जो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन तो यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है हमको। तो पहले तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, कितना आ गया, 1 इंटू 12 माइनस 5 7 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 10 19 प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 -8 -11 -11। तो वैल्यू आ गई 19 20 26 26 -22 4। ये तो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो क्या हो गया, ए तो नॉन सिंगुलर हो गया। ए इज नॉन सिंगुलर, और जब ए नॉन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, तो ए इनवर्स निकालें पहले। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स तो होता है 1 अपॉन, बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो बड़ा इजी है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स हम रो वाइज तो कैलकुलेट कर रहे हैं और राइटिंग देम कॉलम वाइज। तो 1 के लिए क्या हो गया, 12 माइनस 5 7। इसके लिए क्या होगा, माइनस का साइन आ गया जाएगा, 9 प्लस 10 19, और साइन आ गया इधर आ गया। 2 के लिए -3 -8 -11 लिख इधर लिया। अब इसका कोफैक्टर देख लिया, ये तो है 2 1, माइनस आ गया आएगा डेफिनेटली। 3 के लिए ये हो जाएगा -3 -2 -5। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए इट विल बी -3 -2 -1, और माइनस आगे से जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब ये है 2 2, तो साइन चेंज नहीं होगा। 4 के लिए कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1, और -5 के लिए क्या आ जाएगा, -1 -2, तो -1 + 2 तो 1, और साइन चेंज हो जाएगा फिर तो -1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है ना, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो -1 की पावर कितनी हो गई, 5। अब 2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 2 के लिए 5 -8 -3, इधर ये आ गया हमारे पास 11, और ये आ गया 7। एडजॉइंट ए भी आ गया, ये भी आ गया, अब तो लिखना रह गया बस। तो लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी। ए इनवर्स को लिख लिया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ए, 7 1 -3 -19 -1 11
माइनस 11 माइनस 1, बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा आपको ये कैलकुलेशंस करने के लिए, कैलकुलेशंस क्विक एंड कॉशियस इनटू बी। तो बी हमें क्या दिया हुआ है, बी तो दिया हुआ है 7 माइनस 5 और 12, इसे सॉल्व करना है। तो एक्स आ गया, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, तो यहाँ से आगे इधर आ गए हम, इससे आगे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 1/4, तो बाहर ही रहने देते हैं। 49 माइनस 5, 44 माइनस 36, 8 आ गया, तो 8 इधर आ गया। फिर सेकंड रो दिस कॉलम माइनस 19 इंटू 7, 7 9 इज 63, तो माइनस 133, माइनस 133 प्लस 5 प्लस 132, तो प्लस 137, तो ये आ गया प्लस 4। लास्ट में क्या आ गया, लास्ट रो एंड दिस कॉलम -77 +84 +84 और +89, 77 -77 +89, 12। तो ये वैल्यू आ गया, सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 4 से, 213। तो ये आ गया हमारे पास x, और x क्या था हमारे पास, x तो ये था x y z, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15। तो 15 में वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, निकाल लेंगे एंड हैंस सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्या है, पहले तो ए डिटरमिनेंट, ए देख लें मैट्रिक्स अपनी, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 2 इंटू माइनस 4 प्लस 4 0, प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 1। तो माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज नॉन सिंगुलर, हैंस क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट, करेक्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो ए इनवर्स निकालो, तो क्या है, तो एडजॉइंट ही निकालें पहले। तो हम एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं, आपको बार बार सिखाया एडजॉइंट क्या होता है, इट इज ट्रांसवर्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो टेक योर टाइम, और इसे तो एडजॉइंट है हमारा ये आ गया 23 13, तो फोर ए इनवर्स कितना आ गया, माइनस टाइम्स एडजॉइंट है, माइनस टाइम्स एडजॉइंट है, एडजॉइंट है। तो लिख लिया यहाँ पे 0 1 माइनस 2 माइनस 2, 9 माइनस 23 माइनस 5 माइनस 13, ये ए इनवर्स आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, ओके। अब ये ए इनवर्स आ गया, आपने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए, तो इसमें ए तो हमें दिखाई दे रहा है, एक्स भी दिख रहा है, तो ये हो गया बी, राइट। बी को यहाँ लिख लिया, ये ए इनवर्स है, तो वैल्यू निकाल लिया इसका। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 × 11, 0 माइनस 5 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो कॉलम -22 -45, तो -22 -45 कैलकुलेशंस करने
करनी पड़ेंगी आपको ज़्यादा, माइनस 67 प्लस 69 तो इट विल गिव यू 2, ये 2 आ गया और लास्ट में ये वैल्यू आ गया 3। तो हमने देख लिया x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ठीक, सबसे पहला स्टेप है कि आप इसको इन्वर्स के डिटरमिनेंट को चेक करें। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, वेरियस क्वेश्चन नंबर 16 देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये बुक में लिख रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, अनियन 3 kg वीट, 3 kg क्या है, वीट है, बहुत जरूरी है आजकल, मिल नहीं रहा है, 2 kg राइस इज ₹60। इनकी टोटल कॉस्ट दे दी, उसने कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, ₹60, करेक्ट। फिर ये कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 2 kg अनियन, 4 kg वीट, 4 kg वीट एंड 3 kg राइस, 3 kg राइस इज ₹70। ठीक है जी, बड़ा सस्ता दे रहा है, आज का अनियन तो बड़ा महंगा हो रहा है और कोरोना में तो और महंगा हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, अच्छा एक चीज़ और, द कॉस्ट ऑफ इतना इतना इज 60, द कॉस्ट ऑफ 2 kg 4 kg इज 90, इट इज 90, सॉरी हाँ 90 है। फिर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, तीन तीन बार वो वेरिएबल्स को लिखवाएगा, इसका मतलब वो इक्वेशंस लिखवाएगा एक्स वाई जेड में, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg वीट एंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस, 3 kg राइस कितना हो गया 70। अब हमसे कॉस्ट कैलकुलेट करा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो मान लिया वीट का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वीट, कॉस्ट ऑफ लेट अस से राइस, कॉस्ट ऑफ अनियन, पहले देखा तो अनियन की कॉस्ट ले लो, अनियन की कॉस्ट ले ली लेट अस से एक्स रुपीस पर केजी, रुपीस एक्स पर केजी, वीट की रुपीस वाई पर केजी एंड राइस का कॉस्ट ले लिया रुपीस जेड पर केजी। ठीक, तो अब इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो फर्स्ट केस में 4 kg अनियन तो 4x प्लस 3 kg वीट तो 3y एंड 2 kg राइस, इसका कॉस्ट आ गया 60। ठीक है, फर्स्ट रो बन गया हमारा, सेकंड रो 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 3 kg राइस, यहाँ से हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया और थर्ड बन गया 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए, इन इक्वेशन से हमको क्या करना है, सॉल्व करना। तो ठीक है, पहले डिटरमिनेंट ए निकाला, ए मैट्रिक्स निकाला बेसिकली, तो ए मैट्रिक्स क्या आ गया 4, 3, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाला तो हमें आता है, बार बार निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला तो यह आ गया 4 × 12 − 6 = 10, −3 × 6 − 18 −12 + 2 × 2 = 4 −24, 4 − 24 दैट इज −20, तो ये आ गया −20, ये +24, 4 − 20 = −20 आ गया ना। ठीक है,
तो प्लस 24 प्लस 36 4 से क्या आ गया, ये हमने कहीं गलती कर दी कुछ क्या, 6 2 3 ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 4 3 12, 4 के लिए 4 3 12 माइनस 6, इट इज 6, इट इज 60 90 70, क्वेश्चन सही पढ़ा है हमने, 4 3 2 2 4, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये 3 kg राइस नहीं था, इट वॉज 6 kg राइस, सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट कुछ और आना चाहिए था, 2 4 6, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा, 6 आएगा, तो 4 × 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 6 माइनस 36, दैट मीन्स माइनस 30 इंटू माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 90, माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा प्लस 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी फॉर इट, माई मिस्टेक, ठीक है, तो ये 6 है, इसकी वजह से कुछ आंसर गड़बड़ हुआ ए, तो ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, अब इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये पेज जरा बड़ा गंदा हो गया, ओके, तो एडजॉइंट ही निकाल लिया, एडजॉइंट हमारा ये आ गया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं यू नो वेरी वेल, तो ए का इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा, 50 आ गया ना, इंटू एडजॉइंट, 0 माइनस 5 10, 30 0 माइनस 20 और माइनस 20 10 10, ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो है a इनवर्स b, तो a इनवर्स तो यही आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 50 इंटू 0 माइनस 5 10, 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10 राइट, इंटू बी, इंटू बी, व्हाट इज बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 60 90 70, जो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, कॉस्ट मैट्रिक्स है 60 90 70, तो अब इसे मैनेज करते हैं, मैनेज ही करना है, 1 अपॉन 50, ये 0 आ गया, ये आ गया माइनस 450 प्लस 700, तो ये तो 250 बच गया प्लस 250, सेकेंड रो दिस कॉलम, एक 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 1800 और ये आ गया 1400, तो वी आर लेफ्ट विद 400, और लास्ट रो और दिस कॉलम, इसमें भी हमारे पास मुझे 0 नहीं आ रहा, ठीक है, तो माइनस 1200 प्लस 9 प्लस 7, तो 16 माइनस 12, अगेन वी आर हैविंग 400, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ गया, 5 8 8, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या क्या आ गया, 5 8 8, करेक्ट, यहां से कॉस्ट ऑफ अनियंस कितनी आ गई, ₹5 per kg, यहां से कॉस्ट ऑफ वीट कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ वीट ₹8 per kg, मजाक कर रहे हैं देखो ये लोग, और
कोई बात नहीं, मजाक करने दो। कॉस्ट ऑफ राइस इट इज टू एक्सपेंसिव इज रुपीज 8 पर केजी। ठीक है, तो अगेन प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है नरेटिव। ठीक है, 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं करना और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, जैसे अभी हमारा गलती हो रहा था, मिस्टेक होने वाला था। सो थैंक यू वेरी मच।